ऐसे क्या सर मारी कुछ बोलना चाहिए। आज तुम्हें एक फैसला करना होगा, तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, महल से भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप भी इस तरह वीडियो बनाने का शौक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं रवीना टंडन के साथ वीडियो। सही है, किस तरह से एडिटिंग करेंगे, किस तरह से वीडियो शूट करेंगे, किस तरह से डायलॉग बोलेंगे, वो हम आपको आज बताएंगे। सही है, तो बने रहे वीडियो के साथ और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि कैसे कैसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। सही है, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना काइनमास्टर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए, इजीली मिल जाएगा। सही है, इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सही है, ये प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर दीजिए। 16.9 का रेशो वाला चेंज कर दीजिए, यूट्यूब के लिए ये होता है। इस पर ओके कर दीजिए। सही है, अब ये हमारी ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर आ गई है। ठीक है, एम्प्टी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैकग्राउंड चूज कर दीजिए। सही है, तो मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना। सही है, और यहाँ से कोई भी अपना मनपसंद का बैकग्राउंड या कोई भी कैसे भी बैकग्राउंड आप यहाँ पर डाल दीजिए। या फिर यहाँ से जैसे ये काइनमास्टर के बहुत सारे बैकग्राउंड है, यहाँ से भी, लेकिन हमारा अपना एक बैकग्राउंड है जिसमें हम यहाँ से चूज करेंगे। सही है, तो जैसे मेरा ये यहाँ पर एक बैकग्राउंड चूज कर रखा है। ठीक है, इस तरह से आप जैसा भी थोड़ा रोटेशन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो ठीक है। सही है, इस तरह से, और थोड़ा इसकी लेंथ बड़ा कर दीजिए। सही है, इस तरह से, और आप ये ओके कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे। सही है, ये जो लेयर है यहाँ पर जाइए और मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाइए। सही है, और यहाँ पर वो अपनी वीडियो डाल दीजिए जो आपने शूट कर रखी है। सही है, जैसा हमने ये वीडियो यहाँ पर शूट कर रखी है। सही है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर डाल देंगे और हम इसको थोड़ा ये सीधा कर लेंगे। सही है, इस तरह से। सही है, ये हमारा वो हो गया। अब इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेना। सही है, अभी हम यहाँ पर कैमरा चालू कर रहे हैं। हमें हमारा वो कहाँ से होता है ये देख लीजिए। यहाँ से हम अपना डायलॉग बोलना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना से हम इस भाग को कट कर देंगे। सही है, इस भाग को कट कर देंगे और यहाँ से हम इसको आगे कर दीजिए। डायलॉग हमारा यहाँ से शुरू हो रहा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड है उसको हम रिमूव कर देंगे। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर देंगे। सही है, इतना हम क्रॉप कर देंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे अपने क्रोमा की में और इसको यहाँ पर इनेबल कर देंगे और हमारा पीछे का बैकग्राउंड हट गया है। ठीक है, इसको थोड़ा बराबर एडजस्टमेंट कर लीजिए जितना आपसे होता है। सही, ये देख लीजिए। और इसको नहीं होता है तो थोड़ा बराबर कर लीजिए। सही है, तो जितना आपसे आपका बैकग्राउंड सही होता है, या बैकग्राउंड नहीं भी करेंगे आप तो भी चलेगा। तो हमारा भी बैकग्राउंड ढंग से हटा नहीं है। सही है, तो हम इसको इस तरह से, ये हमारा बैकग्राउंड हट गया है अभी। सही है, तो जितने भी होगा, ये तो मैंने आपके लिए डेमो बताने के लिए वो किया है, सही है। इसको हम थोड़ा इधर कर देंगे, सही है। और हम अब लेंगे उस वीडियो को जिस वीडियो के साथ हमने वो करना है, वीडियो बनानी है, सही है। तो जैसे हमने ये डाउनलोड कर रखी है, यहाँ पर हम रवीना टंडन जी के साथ यहाँ पर इस वीडियो को बनाना है, सही। और इस वीडियो को हम यहाँ पर इंजेक्ट कर लेंगे, सही है। और इसको भी हम पहले क्रॉपिंग कर लेंगे, सही है। जितना ये ब्लैक भाग है इसको हम यहाँ पर थोड़ा वो कर देंगे, सही है, इस तरह से। और अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, सही है। ये हमारा बड़ा हो गया। और अब यहाँ पर हम इसको फिर से क्रोमा की इनेबल कर देंगे, सही है। ये हमारा क्रोमा की इनेबल हो गया और इसका बैकग्राउंड भी हट गया है पीछे से, सही है। तो इस तरह से हमारा ये बैकग्राउंड हट गया है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो इस तरह से ये हो गया है, ठीक है। और अगर आपको बैकग्राउंड, जैसे हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा वो लग रहा है, नीचे से ब्लैक लग रहा है ऊपर से, तो इसको हम थोड़ा सही कर लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम जूम आउट इफेक्ट डाल देंगे ताकि नीचे से ऊपर से थोड़ा ब्लैक ना दिखे, एकदम बिल्कुल बराबर दिखे, सही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये हमारी वीडियो ये अभी इसको भी हम अपने फोटो जो पिक्चर है उसको बराबर यहाँ पर ला देंगे, सही है। और यहाँ पर ताकि एकदम बराबर बिठे जाए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारी वीडियो अभी परफेक्ट बन गई है, सही है। ये देख लीजिए, तो दोस्तों अब हमारा एक्शन, जहाँ पर थप्पड़ मारने वाला एक्शन है वो कहाँ से शुरू होता है उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, सही है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा एक्शन थोड़ा लेट हुआ, तो इसको हम थोड़ा पहले कट कर लेंगे, सही है। यहाँ पर हम इसको पहले बराबर कर लेंगे, आप बराबर कर लेना, सही है। इसको हम कट कर देंगे, सही। अब बराबर में ला देंगे इधर, ठीक है। तो आप भी वैसे कर लेना, मतलब कहाँ से आपका यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे ताकि कहाँ पर से हमारा एक्शन शुरू हो रहा है, सही है। तो इस तरह से आप भी कर लीजिए, देख लीजिए अभी हमारा ये फिट बैठता है कि नहीं है, ये देख लीजिए। तो इस तरह ये हमारा सीन बिल्कुल बराबर बैठ गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये बराबर हो गया कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अभी आगे हो गया है, इसको हम थोड़ा फिर से वो कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप भी, मैं तो डेमो के लिए बता रहा हूँ लेकिन आप भी बराबर कर सकते हैं। देख इस तरह से आप एक्शन करके वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, सही है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, सही है। और इसके लिए दोस्तों लाइक सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी बनता है, सही है। जय हिंद।